मधुबनी बिहार के राजकीय बुनियादी विद्यालय में क्राइम 7 न्यूज ने पहुंचकर जायजा लिया। अब शिक्षकों की कमी का रोना गवारा नहीं होगा। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में नव नियुक्त शिक्षक अपना योगदान कर टीचिंग कार्य का बतौर प्रशिक्षु ट्रेनिंग ले रहे हैं। शिक्षकों को आने से थोड़ा शैक्षिक माहौल या सूरत बदलने की उम्मीद है। वरीय प्रधान अध्यापक बुनियादी विद्यालय घोगरडीहा जयप्रकाश यादव ने बताया कि ये नए युवा व नए नियुक्त शिक्षक अभी बहरहाल पढ़ाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मधुबनी बिहार से ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा आजाद की विशेष रिपोर्ट। मधुबनी बिहार के बीआरसी भवन कैंपस में राज्य की बुनियादी मध्य विद्यालय में हूँ। यहाँ राजकीय बुनियादी विद्यालय मध्य विद्यालय इसमें नहीं लगा है। बुनियादी विद्यालय स्पेसिफिक स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो हर मुख्यालय में एक होता है, उसी वहीं है। यहाँ जो शिक्षकों की टीम है ये जो है सो नियुक्त होकर के आए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं पढ़ाने का। तो ट्रेनर अच्छा, अभी आप लोग ऑल टेटर टीचर्स जो हैं ट्रेनर हैं, यही ना? अच्छा, तो क्या क्या कार्यक्रम है इन लोग का सर, ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग देंगे क्या? ट्रेनिंग देंगे नहीं, लेंगे ना बच्चे से, मतलब बच्चे को पढ़ा करके यहाँ ट्रेनर सीखेंगे तो भविष्य में हम शिक्षक हो जाएंगे। तो अभी ये तो प्रशिक्षु है ना? प्रशिक्षु है ना? तो यू आर नॉट ट्रेनर ना, यू आर मतलब ट्रेनिंग ना, उसको प्रशिक्षु आप है ना? हाँ, तो ट्रेनर नहीं बोली, गलत शब्द नहीं बोली, ठीक है ना? धन्यवाद।